अगस्त को आने वाला सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार पर फैसला काफी ज्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे का साथ देते हुए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट का पक्ष रख रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर, शिंदे गुट की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोर्ट के फैसले से पहले शिंदे गुट पर बड़ा बयान दे दिया है उद्धव ठाकरे के गुट ने। जी हाँ, दरअसल चुनाव आयोग में जिस तरह से दस्तावेज जमा करने थे, चुनाव आयोग में दस्तावेज जमा करने से पहले एक बड़ी तैयारी उद्धव ठाकरे के गुट ने कर ली है। अब उद्धव ठाकरे का गुट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि चुनाव आयोग में भी शिंदे गुट को हराना चाहता है। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे की सेना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। उद्धव ठाकरे की सेना ने कमर कस ली है और दस्तावेजों को बेहतरीन तरीके से तलाशा गया है। उसके बाद दस्तावेज चुनाव आयोग में जमा करने की तैयारी की गई है। आपको बता दें, कोर्ट में अब उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर इस लड़ाई को जीतने की हुंकार भरने वाले हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बाला साहेब ठाकरे का असली उत्तरदायित्व, रिपीट, बाला साहेब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी आखिर कौन है, इस मामले पर सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे के गुट ने उत्तराधिकारी साबित करने के लिए राज ठाकरे की मदद ली है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी साबित हो जाएं और एकनाथ शिंदे की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।